दोस्तों भले ही मर जाना, परंतु भूल कर भी, माचिस के अलावा यह पांच चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है, और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा, अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि न तो समय देखते हैं और न ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह तीन चीजें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें न तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और न ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।
इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जय बजरंग बल्ली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाशमा, लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है, बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो ये तीन चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है।
इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति न तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है, धन की वर्षा मां लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो पहली चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े, ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए।
मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रूमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, यह पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, यही कुछ बातें थीं पूजा के संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये शास्त्रों संबंधित, पूजा संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।